कॉलेज में भाजपा का सदस्य बनाए जाने पर सपा छात्र सभा ने किया विरोध। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के बरेली कॉलेज में एक छात्र संगठन द्वारा छात्रों को रोककर जबरन भाजपा का सदस्य बनाए जाने पर समाजवादी छात्र सभा संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, साथ ही अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों के संगठन द्वारा विरोध करने की भनक पाकर प्राचार्य अपनी कार्यालय से छात्रों के पहुंचने से पहले ही चले गए। दरअसल बरेली कॉलेज में भाजपा समर्पित एक छात्र संगठन द्वारा छात्रों को रोक कर उनके मोबाइल से मिस कॉल लगाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। इसका समाजवादी छात्र सभा ने विरोध किया। जबरन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए जाने तथा अन्य मांगों को लेकर छात्र नेता प्राचार्य के कार्यालय की तरफ कूच करने लगे। जो कॉलेज में मामला है, सबसे पहली बात, इस बरेली कॉलेज के अंदर जो कि छात्रों के लिए और बरेली मंडल का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज माना गया है, इस कॉलेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्यता कर रहे हैं। दो दो जगह कैनोपी लगा के बैठे हुए हैं, जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनाए जा रहे हैं। रोक रोक के उनसे नंबर डायल करवा के मिस कॉल लगवा के उनको भाजपा का सदस्य बनाया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमें किसी छात्र संगठन से आपत्ति नहीं है। कोई भी छात्र संगठन इस बरेली कॉलेज के अंदर अपना काम कर सकता है, अपनी संस्था कर सकता है, छात्र छात्राओं की समस्याएं उठा सकता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर खुलेआम इस प्रकार के काम नहीं कर सकती है। इसी का विरोध करने हम यहाँ प्राचार्य महोदय के पास आए हुए हैं, लेकिन प्राचार्य महोदय सूचना मिलते ही कि हम लोग छात्र सभा के लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले हैं, वो यहाँ से चले गए और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये प्रॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं। कॉलेज के परिसर में चल रहा है, कॉलेज के परिसर के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। दो दो जगह कैनोपी लगा के बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को रोक रोक करके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी समस्याएं ये भी हैं, और समस्याएं हैं कि यहाँ पर कॉलेज की जो बिल्डिंग है, जो कॉलेज ऐतिहासिक धरोहर है, हेरिटेज बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जो आप समझ लीजिए इस प्रकार से इसका सत्यानाश होने में लगा हुआ है कि ये लोग उस पर बिल्डिंग पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कॉलेज में साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, छतें टपक रही हैं। इसके अलावा इस कॉलेज में कुछ समय पहले एक चोरी हुई थी, एसी चोरी हुए थे। इसके अलावा और भी सामान चोरी होता रहता है, उन पर कोई कार्रवाई इस कॉलेज की तरफ से नहीं हुई है। दूसरा तीसरा काम यह है, इसका कॉलेज का सेमिनार जो कि साल 2013 से बंद है, सेमिनार चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा छात्राओं के लिए यहाँ पर जो है एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज में शुद्ध शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इस कॉलेज में अगर हम आपको गिनाने पर आ जाएंगे तो कम से कम सैकड़ों समस्याएं इस कॉलेज के अंदर आपको हम बता सकते हैं। हॉस्टल को लेकर यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल सबसे बड़ी समस्या, सालों से इस कॉलेज का हॉस्टल बंद है। यहाँ पर पूरे मंडल भर से और बहुत दूर दराज से दूसरे मंडलों से भी यहाँ पर छात्र और छात्राएं पढ़ने आते हैं, जो कि गरीब घर से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं। आप समझ लीजिए जितनी फीस यहाँ की है पूरी साल की, इससे ज़्यादा यहाँ के रूम में रहने के लिए वो लोग पैसा दे देते हैं, यहाँ के खाने के लिए पैसा दे देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हॉस्टल यहाँ पर शुरू कराए जाएँ। कई बार यहाँ पर हम लोगों ने मांग रखी है कॉलेज में हॉस्टल के लिए, नहीं शुरू कर रहे हैं। आप अगर नहीं शुरू करेंगे तो फिर हम लोगों की मजबूरी होगी कि हम लोगों को यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी, पूरी नहीं होगी, हम लोग फिर यहाँ पर अनशन पर बैठना पड़ेगा। हम लोगों की मजबूरी होगी, हमारे यहीं डेरा डाल देंगे। हमने भैया पहले भी, इससे पहले भी छात्रावास के लिए हम कम से कम पिछले 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं विद्यालय प्रशासन को, लेकिन आज तक महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास दोनों में से एक भी छात्रावास चालू नहीं किया गया। बेचारा जो बच्चा गांव दूर दराज से आता है वो यहाँ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता जो प्राइवेट कॉलेज की है, इसलिए यहाँ एडमिशन लेता है। आप उसको कॉलेज में रहने के लिए व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, छात्रावास आपने बंद करके रखे हुए हैं, ठीक है, पीने की जल की व्यवस्था नहीं है, सारी छतें जो है उनसे पानी टपक रहा है, तो कॉलेज का पैसा फंड जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ी मुद्दा ये है। दूसरा, कॉलेज के अंदर छात्र राजनीति करे, छात्र संगठन छात्र राजनीति करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉलेज परिसर के अंदर आकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं और आगे होगा, हम आगे भी विरोध करेंगे। बस हमारी यही मांग है।